जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल हसन, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे फार्म पे वंडा डालने का जो अच्छा तरीका है, बेहतरीन तरीका आपसे शेयर करेंगे, किस तरह आप अपना लोकल लेवल पे TMR बना के जो है आप जानवरों को अपनी खुराक ऑफर कर सकते हैं। ले जी वीडियो को इंजॉय करें। ये अब आपका TMR बन रहा है जी। साइलेंट डाल दिया, उसके ऊपर सोयाबीन फेंक दी, बीट पर उड़ाने बंदे आपके मुझे ट्रेन लग रहे हैं। बंदे शूटर ही आते हैं, शूटर ही आते हैं ना। सही है। अब इसके ऊपर आप फेंकने लगे हैं वो बीट पल। लो जी ये चिकंदर आ गया। लो जी ठीक हो गया। अब इसके ऊपर फेंकेंगे वंडा। बीट पल पूरा नहीं हुआ अभी, चिकंदर डालेंगे फिर न्यूट्रास्यूटिकल। अच्छा अभी न्यूट्रास्यूटिकल आपने डालने हैं, बाईपास फैट, ये वो आइटम पर तो आपने सारी मैयर करके दी हुई है। हाँ जी, वो 24 घंटे की चल रही है। माशाल्लाह चिल्ला लगा हुआ आपका जी, चिल्ला लगा हुआ आपका। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। उधर पूछे उधर ज़्यादा डिटेल मिलेगी जी, वो तो मुझे पता है। अच्छा आपकी वाबस्ती है बहुत ज़्यादा मेरी नहीं, तबलीग से नहीं। डॉक्टर साहब की नहीं मेरी, लगाया मैं सर रोजे कुछ दो लगाए मेरे माशाल्लाह ये 3 सर रोजे एक अशरा लगा हुआ है। यूनिवर्सिटी दौर की बात, बड़ा कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह मौलवियों से। अल्लाह की ज़ात का फजल हो गया जी कि हमारे हल्का अहबाब में जो लोग थे ना वो सारे मौलवी थे। अब तो हमारे इलाके के ही हैं जी, बिल्कुल मेरे वो आयशा मस्जिद मदरसतुल हुसैन जी जी, वो उधर ही हैं जी। नहीं जनाब ये बन रहा है जी TMR जी। ये अब पाउडर मिक्स कर रहा है, इसमें बाईपास फैट है, मिनरल है, मिनरल है, हाँ जी मिनरल मिक्सचर है, मिनरल बाईपास फैट, बायोटिन, विटामिन ई, मैनोमेट, टॉक्सिन बाइंडर, टॉक्सिन बाइंडर, DCP, लिथोवियल बफर भी है जी। ये आ गया जनाब बीट पल्प हो गया, और ये भाईजान पीछे आपके जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं ये सारी आइटमें, ये आपकी डल गई जनाब। ये कितने जानवरों का ग्रुप है यहाँ पे, 11 का ना? 11। ये 11 जानवरों का ग्रुप है जनाब। ले जनाब ये हो गया जी। 3 पे आए नहीं गए टोकरे, 3 पे आए गए ना, बीट पल्प, चिकंदर लग गया, डालने कोई नहीं डालने, चिकंदर लग गया सबसे पहले, साइलेज, फिर सोयाबीन, फिर चिकंदर, फिर ये आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब ये डालेंगे जनाब आपका वंडा। लो जी वंडा ले आओ जी, 11 जानवरों की खुराक है जनाब ये। इस ग्रुप की एवरेज कितनी है डॉक्टर साहब? इस ग्रुप की एवरेज 30 के पास, 30 की एवरेज है। ये जनाब आ गया वंडा। ले जनाब अब ये बनाएगा इसका TMR है जी। चलो पहले पंजी फेर के नु कर दे, मिक्स कर दे डॉक्टर साहब, वीडियो बना दे, पंजी फेर के पहले इसको मिक्स कर दे। ये अब फिर वंडा जो पकाया रहता है ये हो गया जी। ले जी हमने ना अब तक जो हुआ हो रहा है हमारी एडवांस प्लानिंग की, हमने आज से 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हमें क्या करना है सर? मैं अक्सर ये सर बात करता हूँ कि फार्मर को चाहिए कम से कम 6 महीने बाद का प्लान करें। ठीक है जी, प्लानिंग 6 महीने की होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एनिमल प्रोक्योरमेंट के हवाले से मैंने आपको दिसंबर तक का प्लान दिया। ठीक है, वो प्लान दिया ही इस करके है कि आपको जो चीज़ें दिसंबर में जाए क्लियर होनी है ना, उसका हम आज ही कुछ इसका हल कर सकें। ले जनाब ये होगी जनाब, मिक्सिंग हो रही है जनाब। डॉक्टर साहब एक मशवरा दूँगा आपको, मैं रिकमेंड करूँगा कि जो आपके न्यूट्रास्यूटिकल है ना वो आप बीट पल्प के नीचे लगाएं, नीचे लगाएं। वो उसकी वजह ये कि ना वो उड़ते हैं बहुत ज़्यादा, देखा ना ये, ठीक है उसमें फिर ये उतने उड़ेंगे नहीं। साइलेंट डाल के सुबह साइलेंट लगा के ना वो सोयाबीन लगा के उस पर न्यूट्रास्यूटिकल लगाएं, बाईपास फैट शैट जो भी आपकी है, उसके बाद फिर आप वो वंडा लगा दें, बीट पल्प लगा दें। ठीक है जी, ये जनाब लोकल मैंस TMR जी। अब ये जनाब तकरीबन 2 से 3 दफ़ा पंजी फेरती है, 3 दफ़ा पंजी फिर गई है, और ये अब इसको जनाब पुश करके सामने कर देगा जनाब। ये होगी जनाब पुअर मैंस TMR। पुअर मैन तो खैर कहना चाहिए, डेयरी फार्मिंग में पुअर मैन का काम, पुअर मैन का काम रह ही नहीं गया डॉक्टर साहब। करोड़ों लगा के भी किसी को पुअर मैन कहना तो मेरा ख्याल है कि साढ़े को तो हमारे जैसे क्या खिलाया जाएगा। हाँ ऐसे ही है,
ये जनाब हो गया है जनाब डॉक्टर साहब उधरों जाके ना तुसी एक मोट से भर के लिया उधर एक मोट भर के लिया ये जनाब टी एम आर होगी तैयार इसकी आप दिखाते हैं आपको इसमें है क्या दूसरा वो परली साइड पे है सेकंड ग्रुप है जी ये डॉक्टर साहब ले आए डॉक्टर साहब इधर रख दें इस पे रख दें ये है जी टी एम आर तैयार हो गई है ना ठीक है जी देख लें जी इसके अंदर जो है सारी आइटम्स मौजूद हैं ऑफकोर्स जो टी एम आर मशीन से आप बना सकते हैं ये वो काम तो नहीं है लेकिन ये है कि गुजारा ज़रूर हो जाता है ठीक है दिन में तीन दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं आप हाँ जी ठीक है लें जनाब ये होगी जनाब इस तरह करके जी आप लोग फील्डिंग किया करें ये बेहतर है जी आज के लिए इतना ही अपना ख्याल रखें दुआओं में याद रखें पांच वक्त की नमाज़ अदा करें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।